हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू आवर टुडेज क्लास। टुडे वी डन क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1 मी विथ माय फैमिली। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मी विथ माय फैमिली, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे पेज नंबर 11 एंड 12। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। डिफरेंटेड बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज फैमिली, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द जॉइंट फैमिली। आपको पहले क्वेश्चन में स्मॉल एंड लार्ज फैमिली में डिफरेंस बताना है। सेकंड क्वेश्चन पे जॉइंट फैमिली पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाई शुड वी ओबे अवर एल्डर्स, हम बड़ों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। डू यू शेयर वर्क एट होम, क्या आप घर के कामों में मदद करते हैं। गिव सम एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जो आपके आंसर को सपोर्ट करते हो कि हाँ हम घर के कामों में मदद करते हैं या नहीं। वट आर द बेनिफिट ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, अ जॉइंट फैमिली में रहने के क्या बेनिफिट हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे, इनके आंसर कैसे राइट डाउन करेंगे, चलो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंटेड बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज फैमिलीज, आपको स्मॉल एंड लार्ज फैमिली के बीच में डिफरेंस बताने। तो आंसर इज डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज फैमिली इज, जो स्मॉल एंड लार्ज फैमिली में जो डिफरेंस है वो है स्मॉल फैमिली। देखिए यहाँ पे स्मॉल फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन। स्मॉल फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स और उनके एक या दो बच्चे होते हैं। वहीं लार्ज फैमिली में, लार्ज फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर थ्री और मोर चिल्ड्रन। पर जो लार्ज फैमिली होती है उसमें पेरेंट्स के साथ उनके तीन या उससे भी ज़्यादा, चार पांच बच्चे होते हैं, तो उसे हम लार्ज फैमिली कहते हैं। तो स्मॉल फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और उनके एक या दो बच्चे, वहीं लार्ज फैमिली में पेरेंट्स और उनके दो तीन चार पांच बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल यानी चाचा, आंट्स, चाची एंड कजिन्स जो हैं वो सब एक साथ रहते हैं। इन अ जॉइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी ओबे अवर एल्डर, हमें हमारे एल्डर्स यानी हमारे बड़ों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। वी शुड ओबे अवर एल्डर बिकॉज, क्यों करना चाहिए, क्योंकि अवर एल्डर्स हेल्प अस इन अवर स्टडीज़। जो हमारे एल्डर्स हैं यानी जो हमारे बड़े हैं, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं या दादा दादी हैं या बड़े भैया और दीदी हैं, वो सब हमारी क्या करते हैं, स्टडीज़ में हेल्प करते हैं, पढ़ाई में मदद करते हैं। दे टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी आर सिक, और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा, और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा ध्यान रखते हैं। पेरेंट्स लव अस, और पेरेंट्स यानी हमारे मम्मी पापा जो हैं वो हमारे, हमसे प्यार करते हैं। दे फुलफिल अवर नीड्स, और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमें कपड़े चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए या जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, तो हमें कौन ला के देता है, मम्मी पापा ला के देते हैं। दे ऑलवेज सपोर्ट अस इन ऑल कंडीशंस, और कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कंडीशन हो, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं। इसलिए हमें हमारे बड़ों की, मम्मी पापा, दादा दादी सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। ओबे अवर एल्डर, हमारे बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू शेयर वर्क एट होम, गिव सम एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि
क्या आप घर के कामों में हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं घर के काम, और अगर करते हैं तो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको देने होंगे। तो हम क्या करेंगे, यस आई शेयर वर्क एट होम, मैं घर के कामों में को शेयर करता हूँ या करती हूँ। आई हेल्प इन क्लीनिंग एंड क्लीनिंग द हाउस एंड वाटर द प्लांट, में किस क्या क्या काम में हेल्प करते हैं आप, घर की सफाई में और पौधों को पानी देने में हम घर के अंदर हेल्प करते हैं। तो यस आई शेयर वर्क एट होम, आई हेल्प इन क्लीनिंग द हाउस एंड वाटर द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लिविंग अ जॉइंट फैमिली। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में रहने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो जॉइंट फैमिली में रहकर हम क्या क्या फ़ायदा कर होता है हमारा, वी लर्न टू हेल्प ईच अदर, हम जॉइंट फैमिली में रहकर एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। वी लर्न टू हेल्प ईच अदर, वी शेयर थिंग्स, हम चीज़ें शेयर करना सीखते हैं। लर्न टू रेस्पेक्ट एंड ओबे अवर एल्डर्स, और हमारे बड़ों की रेस्पेक्ट करना, उनकी आज्ञा का पालन करना सीखते हैं। लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं। टेक केयर ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए हम जॉइंट फैमिली से हमें क्या क्या बेनिफिट है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करना, उनकी बातों को मानना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, जॉइंट फैमिली में रहकर ही सीख पाते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें एक्टिविटी करनी है आपको। आपको यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर करना है, घर अपने घर पे मम्मा की हेल्प से, पापा की हेल्प से एक चार्ट प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग द शेयरिंग ऑफ वर्क एट होम, जिसमें आपको ये शो करना है कि किस तरह से घर के कामों में को घर के काम शेयर किए जाते हैं, किस तरह से घर के कामों में शेयरिंग की जाती है। इस सब बातों को शेयर करते हुए आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है। ऑल्सो मैंशन द वर्क ऑफ ईच फैमिली मेम्बर, और घर के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके काम भी मैंशन करने हैं। तो ये कैसे करेंगे आप, इसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे जो हेल्प के लिए क्लूज़ बता देती हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर में आपको यहाँ मदर और गर्ल है, एक बॉय है, एक बॉय पीछे विंडो क्लीन कर रहा है, तो दूसरा बॉय यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर से डस्ट क्लीन कर रहा है। तो इस तरह से आपको जो चार्ट है वो प्रिपेयर करना है और बताना है कि किस तरह से फैमिली मेंबर जो घर के काम है वो शेयरिंग करते हैं। जैसे मम्मी की हेल्प करा रहे हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे क्लीनिंग में, ये देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में जो मदर हैं वो हमारे लिए कुक खाना बना रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, और गर्ल्स उनकी हेल्प कर रही हैं। देखिए घर के मेंबर एक दूसरे की हेल्प से घर को क्लीन कर रहे हैं। देखिए अनदर पिक्चर में जो मदर हैं वो खाना बना रही हैं, कुकिंग कर रही हैं पूरी फैमिली के लिए। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो अपने जो बच्चे हैं उनको पार्क में लेकर आए हैं, और बच्चे भी खेल रहे हैं, चीज़ें और फूड जो है शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें शो करते हुए एक चार्ट प्रिपेयर करना है और मेंशन करना है नीचे कि कौन कौन क्या क्या करता है, कि मम्मा कुकिंग करती हैं, पापा ऑफिस में वर्क करते हैं, और साथ ही साथ घर के कामों में भी हेल्प कराते हैं, बच्चे भी घर की क्लीनिंग वाटरिंग या प्लांट वाटरिंग करने में सब में हेल्प कराते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट जो हैं बच्चों को पार्क वगैरह में घुमाने ले जाते हैं। इस तरह से आपको ये जो है चार्ट प्रिपेयर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, और किस तरह से जो यहाँ पर आपके वो हैं एक्टिविटी चार्ट बनाने की, उस चार्ट को आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट डू योर वर्क,
अपना काम होमवर्क कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।